तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका ऋतिक मुंडीर। गाइस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जियो फ़ोन में RTO का ऐप कैसे चलाएं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कर पे वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस आपको गूगल जब आपकी खुल जाए तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा RTO। जब आप RTO सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन में RTO व्हीकल इंफॉर्मेशन ऐप आएगा, तो आप उसे देख लीजिए। गाइस आ चुका है, तो गाइस हम इसे अब सर्च कर देते हैं। तो गाइस अगर आपका प्ले स्टोर आए तो आप इसे प्ले स्टोर में से नहीं करना होगा, क्योंकि जियो फ़ोन में प्ले स्टोर नहीं चलता है। तो गाइस आपको ये साइट दिखेगी appmonk.com, तो गाइज इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइज तो दोस्तों हमारा यह पेज खुलेगा, तो आपको नीचे की ओर जाकर डाउनलोड ऐप पर क्लिक कर देना होगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज हमारी डाउनलोड चल चुकी है, आप ऊपर की ओर देख सकते हैं हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसे चलाकर दिखाऊंगा। तो गाइज हम कट कर देते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है और यह है जियो फ़ोन में नहीं चलता है, क्योंकि यह एक एंड्रॉइड ऐप है। तो अब मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा। चलिए आप अपने ब्राउज़र खोल लीजिए। ब्राउज़र को खोलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। चलिए हम सर्च कर देते हैं APPETIZE। मैंने यह होम स्क्रीन पर भी दे दी है। गाइस आपको यह ऐप ट्राइज सर्च करना होगा। एंड सर्च करने के बाद दोस्तों आपके पास ये पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं ऐप ट्राइज IO। तो गाइस इस साइट को ध्यान रख के और इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों अगला पेज हमारा खुल गया, तो आपको ऊपर के ऊपर तीन थ्री डॉट दिख रही होगी, तो आप उन्हें ऊपर जाकर उन पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे ही करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप ये कहोगे कि ये फेक है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, 100% तरीका है। तो आपको अपलोड पर क्लिक कर देना होगा। अपलोड पर आपको क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा। तो गाइज आपको नीचे की ओर जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखेगा सेलेक्ट फाइल। सेलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक कर देना होगा और आपको डाउनलोड्स में जाना होगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद जो आपने ऐप डाउनलोड किया होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए। गाइज ये वीडियो ज़्यादा बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि मुझे मेरी वीडियो में कुछ आपने या कुछ लोगों ने मेरी वीडियो में कमेंट किया कि यह है एक फेंक है। मैं जो भी ट्रिक लाता हूँ मैं 100% गारंटीड ट्रिक लाता हूँ। तो गाइस आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर जीमेल भर देनी होगी। जब आपका यह ऐप डाउनलोड पूरा अपलोड हो जाए तो गाइस आपको जीमेल पर जाकर जनरेट पर क्लिक कर देना होगा। जनरेट पर क्लिक करने का आप देख सकते हैं हमारे मेल पर पता पहुँच चुका होगा। तो हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम फिर से ब्राउज़र खोलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं gmail.com। आप जीमेल लिख लेते हैं हम जीमेल। क्या आप जीमेल जानते हैं? जानते हैं तो आप इसे चला सकते हैं। तो जीमेल नीचे की ओर जाकर gmail.com देख सकते हैं आप, आ चुकी है हमारी साइट जीमेल की। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे जीमेल पर उन्होंने लिंक भेज दिया है और इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका यह है ब्लू हो जाओ तो आप इसे क्लिक कर देना होगा, अगर आपका ब्लैक रहे तो आपको मोर पर क्लिक करना होगा। चलिए हम मोर पर क्लिक कर देते हैं। मोर पर क्लिक करने के बाद हमारा यह ब्लू हो चुका है, तो हम इस पर अब क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा यह पेज खुल चुका है। तो दोस्तों इस पेज पर आने के बाद हमारा यह ऐप चल चुका होगा।
तो आपको टैप टू प्ले पर क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यूज करने के लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, जिस पर मुझे एक कमेंट आएगा सर हम पे नहीं चला है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे ये है इसका पहला पार्ट भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। एंड गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस टेक केयर।